नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है BHU M.Sc.Zoology ईयर 2016 एंट्रेंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व पार्ट 2। 52 इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल डीएनए बिकम्स 2C फ्रॉम 4C, यानी कि किस फेज में डीएनए का अमाउंट हाफ हो जाता है। तो करेक्ट आंसर है एनाफेज में, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं उनका मूवमेंट होता है अपोजिट पोल्स की तरफ। 53 इन अ सेंट्रीफ्यूज सेपरेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इज डन बाय सेंट्रीफ्यूज जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आधारित है, यानी कि जब हम रोटर को गोल गोल रोटेट करते हैं तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है जिसके कारण जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं लिक्विड से। 54 इफ़ यू विश टू स्टडी द रीजन ऑफ बाइंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन प्रमोटर डीएनए विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी कि अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बाइंडिंग चेक करनी है डीएनए पे तो आप डीएनए फुट प्रिंटिंग टेक्निक यूज़ करेंगे, क्योंकि इस टेक्निक में पहले डीएनए को ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड कराया जाता है और फिर उसको न्यूक्लियस से कट करते हैं। तो जो रीजन प्रोटीन से बंधा हुआ होता है वो रीजन का डाइजेशन नहीं होता, बाकी सारे रीजन का डाइजेशन हो जाता है, तो आपको वो पार्ट मिल जाता है जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड करता है। 55 विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप डज नॉट डिवाइड इन एडल्ट ऑर्गेनिज्म, एडल्ट ऑर्गेनिज्म्स में जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं उनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती। तो इसमें जो न्यूरॉन है वो एक डिफरेंशिएटेड सेल है और ये डिवाइड नहीं करती। 56 ड्यूरिंग मियोसिस व्हेन अ सेल एक्चुअली बिकम्स हैप्लॉइड, मियोसिस में आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट डिवीजन जो सेल है वो हैप्लॉइड हो जाती है, क्योंकि हैप्लॉइडी और डिप्लॉइडी क्रोमोसोम नंबर पे डिपेंड करता है। तो मियोसिस का जो पहला डिवीजन है वो रिडक्शनल डिवीजन है, तो इसके बाद जो सेल बनेगी वो हैप्लॉइड होगी। 57 मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन लिपिड्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन, मेम्ब्रेन लिपिड्स की जो सिंथेसिस होती है वो SER में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। 58 अ न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ, न्यूक्लियोसोम में आपके हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं H2A, H2B, H3 और H4, इसका दो कॉपीज होती हैं और प्लस 146 बेस पेयर ऑफ DNA, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। 59 फॉर अ गिवन जीन अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल विल कंटेन, किसी भी एक जीन के लिए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में दो एलील होंगी क्योंकि इसमें दो होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। 60 विच लॉ ऑफ मेंडल इज रिवील्ड बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो हमें लॉ मिलता है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ऑप्शन 2। 61 माइग्रेशन ऑफ कैंसरस सेल फ्रॉम अ प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन टू अनदर प्लेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, कैंसरस सेल्स जो हैं वो अपनी जगह छोड़ के ब्लड में आ जाती हैं, ब्लड से होते हुए वो फ्रेश टिश्यूज़ में जाती हैं और वहाँ पर वो फिर से कैंसर कॉज करती हैं, इस फिनोमेना को मेटास्टेसिस कहते हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। 62 विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज़ यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ cDNA, cDNA जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री DNA है और ये मैसेंजर RNA से बनता है और इसकी जो सिंथेसिस होती है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से होती है, ये एंजाइम मैसेंजर RNA से DNA बनाता है। 63 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, तो जो बायोल्यूमिनेसेंस है ये एक एग्जांपल है जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में। 64 द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट वेनम, स्नेक बाइट बाय एंटी वेनम इज एन एग्जांपल ऑफ, एंटी वेनम जो दिया जाता है वो एक एग्जांपल है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी का, ऑप्शन 1। 65 मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ एंटीबॉडी इन मिल्क, तो मिल्क में मोस्ट अबंडेंट जो है वो है सिक्रीटरी IgA, ऑप्शन 4। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट क्वांटिटेटिवली असेस्ड, क्वांटिटेटिवली असेस्ड का मतलब होता है आप इसको किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सप्रेसिविटी, ऑप्शन 2। 67 द फॉलोइंग पेडिग्री शोज इनहेरिटेंस ऑफ एन ऑटोसोमल ट्रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पेडिग्री,
तो इस ये जो पेडिग्री है ये शो कर रही है इनहेरिटेंस एक ऑटोसोमल ट्रेट का। ऑटोसोमल ट्रेट वो होता है जो ऑटोसोम पे पाया जाता है, ये सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं होगा। तो इसमें जो मदर फादर हैं उनमें ये बीमारी नहीं है, बट इनके बेटे में ये बीमारी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मदर और फादर हैं वो कैरियर हैं और ये रिसेसिव ट्रेट है, इस वजह से ये किसी एक बच्चे में एक्सप्रेस हुआ है तो इसमें ये मेल में एक्सप्रेस हुआ है। तो करेक्ट आंसर है द ट्रेट इज रिसेसिव। 68 हाउ द जीन फ्लो बिटवीन टू मेंडेलियन पॉपुलेशन इज प्रिवेंटेड। तो जीन फ्लो दो मेंडेलियन पॉपुलेशन में हम रोक सकते हैं बाय आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, यानी कि अगर दो पॉपुलेशंस के बीच में मेटिंग न कराई जाए या न हो तो उसके कारण जो जीन फ्लो है वो रुक जाएगा। 69 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव मिमिक्री। प्रोटेक्टिव मिमिक्री जो है ये कैलिमा या बटरफ्लाई में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। 70 विच फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम के लिए पैन मिक्सिस या रैंडम मेटिंग जरूरी है, यानी कि जो पॉपुलेशन में मेटिंग होगी वो रैंडम हो तो उससे जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। 71 अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फॉसिल इज। तो लिविंग फॉसिल है स्फेनोडॉन, ऑप्शन 2। 72 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसिंग लिंक। इसमें जो आर्कियोप्टेरिक्स है वो रेप्टाइल और बर्ड के बीच का एक मिसिंग लिंक है। 73 पॉलीप्लॉइडी हैज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन इन प्लांट्स। क्योंकि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो पॉलीप्लॉइड्स हैं, जैसे हेक्साप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। तो प्लांट्स के इवोल्यूशन में पॉलीप्लॉइडी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एनिमल में एक्चुअली डेथ हो जाती है पॉलीप्लॉइडी में, इस वजह से आपको पॉलीप्लॉइड एनिमल नहीं मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, प्लांट। 74 नेम द इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हु इंटीग्रेटेड इवोल्यूशन विद जेनेटिक्स। तो वो थे डोबजांस्की, ऑप्शन 2। 75 पेरीपैटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। पेरीपैटस जो है वो कनेक्टिंग लिंक है आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के बीच में, ऑप्शन 2। 76 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन डायरेक्शनल फोर्स ऑफ इवोल्यूशन। तो इसमें जो सीवाल राइट इफेक्ट है ये नॉन डायरेक्शनल है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। 77 म्यूटेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन। दिस फैक्ट वॉज रियलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। तो म्यूटेशन एक रोल प्ले करता है इवोल्यूशन में और सबसे पहले ये ह्यूगो डिवेरिस ने बताया था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। 78 मेसी चिप्पस वॉज फाउंड इन। मेसी चिप्पस जो है वो मियोसीन पीरियड में पाया गया था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। 79 ऑन्टोजनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजनी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय। ये जो टर्म है ऑन्टोजनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजनी वो दिया था अर्नेस्ट हेकल ने, ऑप्शन 4। 80 देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज पोस्ट मेटिंग एज वेल एज प्रीजाइगोटिक। तो इसमें से कौन सा मैकेनिज्म पोस्ट मेटिंग है, यानी कि मेटिंग के बाद और जाइगोट बनने के पहले। तो वो है गैमेटिक आइसोलेशन। इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होता है बट गैमिट्स का फ्यूजन नहीं होता। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। 81 द नंबर ऑफ टो इन ईओहिप्पस इज। ईओहिप्पस में 4 टोस थी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। 82 द मेथड बाय विच डेटिंग ऑफ रॉक कंटेनिंग फॉसिल इज डन इज कॉल्ड। तो जिससे रॉक्स की डेटिंग कराई जाती है वो आता है जियोक्रोनोलॉजी में, ये एक फील्ड ऑफ साइंस है, ऑप्शन 2। 83 विच इज द कॉमनेस्ट मेथड ऑफ फॉसिलाइजेशन। फॉसिलाइजेशन का मतलब होता है फॉसिल का निर्माण, तो इसमें पेट्रीफैक्शन जो है वो सबसे कॉमन मेथड है, ऑप्शन 2। 84 फॉसिल ऑफ बर्ड्स हैव बीन फाउंड इन द रॉक्स डिपॉजिटेड इन। तो जो बर्ड्स के फॉसिल मिले हैं वो जुरासिक पीरियड में के दौरान मिले हैं, ऑप्शन 2। 85 व्हेन टू स्पीशीज आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड दे आर कॉल्ड। यानी कि दो स्पीशीज़ देखने में एक जैसी हों बट उनमें रिप्रोडक्शन ना हो तो उनको सिबलिंग स्पीशीज़ कहा जाता है, ऑप्शन 3। 86 द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड स्टेरिलिटी वॉज डिस्कस फॉर द फर्स्ट टाइम इन डिटेल बाय एरिस्टोटल इन।
तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले हाइब्रिड स्टेलिटी जो डिस्कस की थी वो म्यूल में की थी, ऑप्शन टू. 87 देयर आर डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ स्पीशीज, विच वन इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज. तो स्पीशीज को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे कंसेप्ट दिए गए हैं, तो उसमें सबसे पॉपुलर या सबसे कॉमनली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट जो है वो है बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट का. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन. 88 ड्यू टू फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन द डिग्री ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी. फाउंडर इफेक्ट की वजह से जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो घट जाती है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर. 89 पीके वैल्यू ऑफ अल्फा अमीनो एसिड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ. पीके वैल्यू जो मेजर होता है वो पीएच के टर्म्स में मेजर होता है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन. 90 अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज मेंटेन्ड बाय. तो जो अल्फा हेलिक्स बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बनता है जो CO और NH ग्रुप के बीच में बनता है बिटवीन डिफरेंट पेप्टाइड बॉन्ड्स. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री. 91 अ प्रोटीन डोमेन रिप्रेजेंट्स. प्रोटीन डोमेन जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर में आता है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन. 92 Km ऑफ एन एंजाइम इज अ कॉन्स्टेंट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ. जो Km वैल्यू जो है होती है एंजाइम की वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस होती है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन. 93 साइट्रेट इज नॉट अ स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 बट इट इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम. दिस कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम रेगुलेशन ड्यू टू. साइट्रेट जो है वो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का स्ट्रक्चरल एनालॉग नहीं है तब भी वो उसको इनहिबिट करता है. इस टाइप के मैकेनिज्म को एलोस्टेरिज्म कहते हैं. ऑप्शन वन. 94 काइनेज रिप्रेजेंट अ सब क्लास अंडर विच द मेजर क्लास ऑफ एंजाइम इज. तो जो काइनेजेस हैं वो एक तरह के ट्रांसफरेजेस हैं और ये ग्रुप ट्रांसफर करते हैं, यानी कि ये एक ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफर करते हैं. 95 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स हेट्रोपॉलीसेक्राइड. हेट्रोपॉलीसेक्राइड वो पॉलीसेक्राइड होती है जो दो अलग अलग ग्रुप के जुड़ने से बनी हो. तो इसमें जो पॉली ग्लूकोज अमाइनो ग्लाइकेंस हैं ये आपके हेट्रोपॉलीसेक्राइड हैं, क्योंकि इसमें अमाइनो शुगर एक ग्रुप है और दूसरा है यूरोनिक शुगर. 96 अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर. ये जो हैं ये एनोमर्स हैं. ऑप्शन टू. 97 द ग्लाइकोलिटिक प्रोडक्ट एंटर्स इनटू टीसीए साइकिल इन द फॉर्म ऑफ. ग्लाइकोलिसिस के दौरान एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज टूटता है और बनाता है दो मॉलिक्यूल पाइरुवेट. फिर पाइरुवेट का कन्वर्जन होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में और फिर वो इंटर करता है साइट्रिक एसिड साइकिल में. तो करेक्ट आंसर है एसिटिल कोएंजाइम ए. 98 विच वन इज नॉट एन इंटरमीडिएट ऑफ टीसीए साइकिल. यानी कि कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन है वो टीसीए साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल का इंटरमीडिएट नहीं है. तो इसमें सक्सिनेट, अकोनिटेट और सक्सिनिल कोए है, थायोसक्सिनेट नहीं है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन. 99 विच वन सर्व्स एज अ कैटेलिटिक सब यूनिट फॉर माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी सिंथेटेज. तो माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी सिंथेटेज जो एटीपी की सिंथेसिस करता है उसमें जो बीटा सब यूनिट होता है F1 डोमेन का वो कैटेलिटिक यूनिट है. 100 इन केमीओस्मोटिक मैकेनिज्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी सिंथेसिस विच वन सर्व्स एज कपलिंग फैक्टर बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड एटीपी फॉस्फोराइलेशन. तो केमीओस्मोटिक मैकेनिज्म के अनुसार जो कपलिंग फैक्टर है वो प्रोटॉन है, यानी कि प्रोटॉन का एक ग्रेडियंट बनेगा जिसके कारण एटीपी का फॉर्मेशन होगा. 101 विच वन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिंपल लिपिड्स. सिंपल लिपिड्स में आपका ग्लिसरॉल आता है और फैटी एसिड्स आते हैं. तो करेक्ट आंसर है ग्लिसरॉल, ऑप्शन वन. थैंक यू.